नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ग्वार की फली की भुज्जी। इसके लिए मैंने ग्वार की फली देखी कैसे काट ली है बारीक बारीक, इसको ऐसे बारीक काट लीजिए। अब इसको हम बॉईल करेंगे, उसके लिए मैंने ये पानी चढ़ा दिया है। ये देखिए पानी, ये ग्वार की फली हमने डाल दी है। अब इस 90% तक इसको गलाना है, उसके बाद हम इससे भुज्जी बनाएंगे अपनी। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें बॉईल आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ग्वार की फली बिल्कुल गल चुकी है और इनका कलर कितना चेंज हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं, हमने गैस बंद कर दी है। इसको निचोड़ लेते हैं, इसका पानी निकाल देते हैं। पानी निकाल दिया है और उसके साथ ही इसको निचोड़ लिया है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा प्रेस करके हाथ से। अब इसको हम छोंक लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, सरसों का तेल लिया मैंने। इसके साथ ही इसमें जीरा डालूंगी, आधा चम्मच जीरा डाला है मैंने। और ये मैंने लहसुन लिया है, लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच में लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसको भून लेते हैं अच्छे से। लहसुन भुन जाएगा फिर हम इसमें फली डाल देंगे। अब ये ग्वार की फली हम इसमें डाल देते हैं। इसको एक बार चला देते हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। इसमें बस मैं तीन चीज़ डालूंगी, हल्दी, लाल मिर्ची और ये नमक। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको तीखी चाहिए उतना। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कुछ बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसकी लहसुन की खुशबू सारी मेरे किचन में फैल चुकी है, अच्छी लग रही है। तड़के लिए पका लेते हैं ताकि ये मसाले अच्छे से मिल जाएं इसमें। ये देखिए, ये लीजिए हमारी ग्वार की फली की भुज्जी तैयार है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इसको आप दाल के साथ खाइए। देखिए हमारी ग्वार की फली तैयार है।